हेलो फ्रेंड्स, आइए हम सीखें फॉरवर्ड एक्सिस और इसके अंदर हम सीखेंगे एक्सिस ऑप्शन को, एक्सिस स्केल, एक्सिस टाइप, टिक मार्क्स और पोजीशन एक्सिस को अपनी नीड के अकॉर्डिंग चेंज करना। इन सब को सीखने के लिए मेरे पास एक डेटा है। ये डेटा मुझे बताता है डेट वाइज सेल्स ऑफ ए शोरूम। दो कॉलम्स है हमारे पास, डेट और सेल्स। ये हमें बताता है 4/4/16 मीन्स ये सेल्स हमारी फोर्थ मंथ की 2016 की हैं। 5 और 6 डेट्स हमें दी हुई हैं। आइए एक्सेस को फॉर्मेट करना सीखें। इसके लिए हम पहले एक अपना चार्ट इंसर्ट करते हैं। इसको सीखने के लिए मैं लाइन चार्ट इंसर्ट कर रही हूँ। लाइन चार्ट इंसर्ट करने के लिए हम अपने डेटा को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट टैब के अंदर लाइन चार्ट, ये देखिए लाइन चार्ट रेडी है। फ्रेंड्स, हमारे किसी भी चार्ट के अंदर दो एक्सेस होते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सेस, ये देखिए स्क्रीन टिप शो कर रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सेस, और दूसरा हमारा वर्टिकल एक्सेस। इन दोनों एक्सेस को हम अपने नीड के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए इनको फॉर्मेट करना सीखें। मुझे हॉरिजॉन्टल एक्सिस को फॉर्मेट करना है तो इसको सिलेक्ट करने के दो मेथड हैं। मैं यहीं पर इसको क्लिक करूं तो देखिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस सिलेक्ट हो गया, या इसका इजी मेथड आप चार्ट टूल्स के अंदर फॉर्मेट और फॉर्मेट में, यहां पर हमारे सारे एलिमेंट्स की लिस्ट अवेलेबल होती है। यहां से मैंने सेलेक्ट किया हॉरिजॉन्टल कैटेगरी एक्सिस। हॉरिजॉन्टल कैटेगरी एक्सिस पर क्लिक करने के बाद हम क्लिक करते हैं फॉर्मेट सिलेक्शन पर। फॉर्मेट सिलेक्शन पर क्लिक करते ही एक डायलॉग बॉक्स ओपन है जिसका नाम है फॉर्मेट एक्सिस। हम अपने एक्सिस को फॉर्मेट कर सकते हैं। हम अपने एक बार डेटा को स्टडी करें। मेरा डेटा बताता है 4 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक की सेल्स। मैं अपनी इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर अपनी डेट्स को जो स्टार्ट करना चाहती हूँ, फर्स्ट डेट से स्टार्ट करना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, एक्सिस ऑप्शन के अंदर आप ये देख रहे हैं मिनिमम ये ऑटो और फिक्स्ड, हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसको फिक्स कर सकते हैं। तो मैं इसको फिक्स कर रही हूँ अपनी डेट जो मुझे चाहिए। मैं चाहती हूँ फर्स्ट से, तो हम 1/4/16 यहाँ पर टाइप कर देते हैं। यहाँ पर मुझे अभी ये सूट कर रहा है 30 अप्रैल, और मेजर यूनिट की बारे में पूछता है इन डेट्स के बीच में गैप कितने का हो। अभी हमारा जो गैप है 4, 6, 8, 10 टू डेज का गैप है। मैं इसको 1 डे करना चाहती हूँ, तो मैं इसको चेंज करके इसको 1 कर देती हूँ। आइए पहले इसका इफेक्ट देखें, बाकी चीजें हम बाद में सीखते हैं। और मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। क्लोज करते ही देखिए ये फर्स्ट तक से 30 तक की सेल दिखाता है, बीच में डेट का कोई ब्रेक नहीं है। चार्ट को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए मैं इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देती हूँ। ये देखिए चार्ट का साइज इंक्रीज हो गया। अब ये हमारा जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है फॉर्मेट हो गया, और ये दिखाता है 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक सेल सभी डेज को इंक्लूड कर रहा है। आइए हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अंदर कुछ और फॉर्मेट्स की ऑप्शन को यूज करना सीखें। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को सिलेक्ट करने के लिए फॉर्मेट में सारे एलिमेंट अवेलेबल हैं, हॉरिजॉन्टल कैटेगरी एक्सिस और फॉर्मेट सिलेक्शन पे हम क्लिक करते हैं। फॉर्मेट सिलेक्शन पे क्लिक करते ही हमारा फॉर्मेट एक्सिस का डायलॉग बॉक्स ओपन है। अब हम इसे दूसरी ऑप्शन डेट्स इन रिवर्स ऑर्डर को यूज करना सीख रहे हैं। जैसे ही मैं डेट्स इन रिवर्स ऑर्डर पर चेकबॉक्स को चेक करती हूँ तो देखिए मेरी डेट्स स्टार्टिंग में 30th से 1 तक हो गई, जबकि पहले 1 से 30th तक की थी। हम इसको अनचेक कर देते हैं तो ये हमारा पहले वाला चार्ट आ गया। अगली ऑप्शन एक्सेस टाइप। एक्सेस टाइप में हमारे पास दो ऑप्शन, टेक्स्ट एक्सेस, डेट एक्सेस। हम यूज करके देखते हैं। टेक्स्ट एक्सेस पर क्लिक करते ही मेरी डेट लिखने का स्टाइल चेंज हो गया है। 4/4 पहले ये जो वर्टिकल लिखा हुआ था अब ये हॉरिजॉन्टल हो गया है। जैसे ही मैं इसको डेट एक्सेस पर क्लिक करती हूँ तो ये हमारा पहले वाला चार्ट वापस आ जाता है। अगला जो मैं बताने जा रही हूँ मेजर टिक मार्क्स। ये जो टिक मार्क्स हैं
एक बार देखिए मेजर टिक मार्क्स। टिक मार्क्स आप कहां पर चाहती हैं? आउटसाइड, अब ये नीचे की तरफ है। आप ऊपर की तरफ चाहती हो, क्रॉस चाहती हो, हम इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। हमारा तीन ऑप्शन, चार ऑप्शन अवेलेबल है, नन, नहीं चाहते, इनसाइड, आउटसाइड, क्रॉस। हम एक बार नन पे क्लिक करके देखते हैं, तो देखिए ये डिसअपियर हो गए। और मैं अगली ऑप्शन इनसाइड को यूज करके देखती हूँ, तो देखिए ये अंदर की तरफ आ गए। हम इसको नन पर क्लिक कर देते हैं। माइनर टिक मार्क, माइनर टिक मार्क में भी हमारे पास इस तरह तीन ऑप्शन अवेलेबल हैं। हम एक बार आउटसाइड ऑप्शन यूज करते हैं, तो ये देखिए जो टिक मार्क्स हैं, टिक मार्क्स का साइज पहले से छोटा है। और एक्सिस लेबल, नेक्स्ट टू एक्सिस, एक्सिस लेबल में भी हमारे पास, आप एक्सिस लेबल्स को कहां दिखाना चाहते हैं? मैं हाई को यूज करती हूं, तो देखिए मेरे एक्सिस लेबल ऊपर की तरफ चलेगी। मैं वापस नेक्स्ट टू एक्सिस कर देती हूं, वापस आगे। और अगली चीज वर्टिकल एक्सिस क्रोसिस, हम ये भी नहीं सीख रही। मैं आ रही हूं पोजीशन एक्सिस पर। आपके जो टिक मार्क्स हैं, अभी अगर हम ध्यान से देखें, हमारे टिक मार्क्स दो डेट्स के बीच में हैं। आप टिक मार्क्स कहां चाहते हैं? डेट्स के ऊपर या बिटवीन द टिक मार्क्स, जो आपकी डेट और एक बार यूज करके देखते हैं, ऑन द टिक मार्क्स। ये देखिए अब हमारा जो टिक मार्क है बिल्कुल डेट के पैरेलल है। अगर मैं बिटवीन द टिक मार्क्स यूज करती हूँ, तो जो मेरी डेट है दो टिक मार्क्स के बीच में है। हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस को फॉर्मेट करना सीखा, आइए अब सीखें वर्टिकल एक्सिस को फॉर्मेट करना। वर्टिकल एक्सिस को फॉर्मेट करने के लिए हमें वर्टिकल एक्सिस को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने का सीधा सा तरीका, यहाँ पर सारे एलिमेंट अवेलेबल हैं, यहाँ से मैं वर्टिकल एक्सिस को क्लिक करती हूँ। वर्टिकल एक्सिस को सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट सिलेक्शन, फॉर्मेट सेक्शन अवेलेबल है। अभी देखिए मेरा जो डेटा है, मेरे से 2000 और 2500, 3400, 3000, 2800, मेरा जो डेटा ये मिनिमम स्टार्ट कर रहा है जीरो से। मेरी जो मिनिमम सेल्स है वो 2000 है। मैं चाहती हूँ कि मेरी मिनिमम सेल्स 2000 है, तो मैं 1500 या 1000 से स्टार्ट करना चाहती हूँ, तो इसको मैं अपने अकॉर्डिंग फिक्स कर सकती हूँ। तो यहाँ फिक्स करने के लिए मैंने इसको 1500 कर दिया, जैसे हम मैनुअली फॉल्स बेस लाइन में लेते हैं, तो 1500। मुझे 4000 की कोई जरूरत नहीं, मैं 3500 तक ही चाहती हूँ, इसको भी मैं फिक्स कर सकती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको भी चेंज करके 3500 कर दिया, 3500। और इसके बीच का गैप आप 100 का चाहते हैं, 1000 का चाहते हैं, 500 का चाहते हैं, हम अभी इसको चेंज करके 200 कर रहे हैं, 200 कर दिया हमने। और हमारे पास वैल्यूज इन रिवर्स ऑर्डर, पहले हम यहीं तक का एक बार यूज देखते हैं कि क्या इफेक्ट आए, क्लोज करते हैं। अभी देखिए 1500, 1700, 200 के गैप पर मेरा वर्टिकल एक्सिस चेंज हो गया है। फ्रेंड्स, हम इस तरह अपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस को और वर्टिकल एक्सिस को फॉर्मेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हमने सीखा एक्सिस को फॉर्मेट करना, एक्सिस ऑप्शन को यूज करना, एक्सिस स्केल, एक्सिस टाइप, टिक मार्क्स और पोजिशन एक्सिस की डिफरेंट यूजेस को अपनी नीड के अकॉर्डिंग फॉर्मेट करना। फ्रेंड्स, आई होप दिस वीडियो विल बी यूजफुल फॉर यू। थैंक यू, थैंक यू माई फ्रेंड्स।